उधर रायपुर में महाराज बंद तालाब को लेकर कई दिनों से विवाद जारी है, जहां लोगों ने निर्माण के नाम पर तालाब को पाटे जाने का आरोप लगाया। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों के साथ बैठक की, जिसमें महाराज बंद तालाब निर्माण को लेकर चर्चा की गई। वार्ड पार्षद सालिक सिंह ठाकुर ने बताया है कि कई लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं, जबकि निर्माण नियम के अनुसार ही किया जा रहा है। कुछ लोग, कुछ जो तत्व हैं, लगातार दुष्प्रचार करते हैं। वही दुष्प्रचार करके एनजीटी और हाई कोर्ट में पेपर कटिंग और दुनिया भर का करके वो जो स्टे ले लिए, आज इसका भुगतना पूरे हमारे मोहल्ले के लोगों को, हमारे वार्ड को हो रहा है। और आज उसी संबंध में हमने सभी लोगों की राय मशवरा करने के लिए उनको बुलाया था कि आप लोगों का क्या कहना इस मामले में। तो सभी ने एक स्वर में कहा है कि हम अब इस गंदी राजनीति को चलने नहीं देंगे, और जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था इस मामले में रुकावट डालेगा तो हम उसके घर में जाके, उसके कार्यालय में जाके उनके बड़े नेताओं का घेराव करेंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है सर।